नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर अब की खबर पर। बहराइच जिले में बाप ने एक लड़की को अपना शिकार बनाया और सूचना मिलने पर भी कोई वनकर्मी मौके पर उपस्थित न होने पर ग्रामीणों में रोष है। बहराइच जिले के निशानगढ़ा रेंज अंतर्गत बाघ ने एक बालिका को अपना शिकार बनाया। युवती का नाम गीता पुत्र प्यारे बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल है और वह सुजोली थाना क्षेत्र अंतर्गत चफरिया बाजार की रहने वाली है। जब वह मवेशियों के लिए गन्ने की पत्ती लेने आजमगढ़ कारीगोट गई थी, इस दौरान अशफाक अंसारी के खेत में घात लगाए बैठे बाघ ने गीता पर हमला कर खेत में खींच ले गया। वहां साथी संगीता के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गीता की मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों को सूचना दी गई और मृत शरीर को घर पर लाया गया, जहां सुजोली थाना अध्यक्ष अफसर परवेश, एसआई राजेश तिवारी, कांस्टेबल दिलीप यादव, दलबल सहित मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना मिलने के बाद भी कोई भी वनकर्मी मौके पर उपस्थित नहीं थे, जिससे ग्रामीणों में रोष व आक्रोश व्याप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। सीतापुर में मौत के कुएं में एक हादसा हुआ, जिसके चलते एक अज्ञात लड़की की मौत हो गई। सीतापुर के हरदोई में मौत के कुएं में एक हादसा हुआ, जिसमें एक अज्ञात लड़की की मौत हो गई। हरदोई नुमाइश में मौत के कुएं के पेड़ से गिरने से एक लड़की की मौत हुई। जानकारी सूत्रों के अनुसार लड़की पेड़ पर खड़ी होकर मौत के कुएं का खेल देख रही थी कि अचानक पेड़ से नीचे कुएं में जा गिरी और उस लड़की का पैर जाली में फंस गया और वह हवा में झूल रही थी। तब हाई स्पीड गाड़ी मौत के कुएं में राउंड कर रही थी, जिसके चलते लड़की को टक्कर लगी और वह नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सूचना तुरंत कोतवाली शहर में फैली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का मुआयना किया। अभी तक लड़की का नाम नहीं पता चल सका है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ओम प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 लोगों का विवाह संपन्न हुआ। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 111 लोगों की शादी संपन्न हुई। सरकार की योजना अनुसार पंडाल में सजावट कर मंडप बनाए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगी सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह व राज्य मंत्री अर्चना पांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को निभाते हुए जिला प्रशासन ने पूरे रीति रिवाज के साथ बेटियों की शादी कराई, जिसमें 25,000 रुपए की धनराशि जो सीधे खाते में भेजी जाएगी और बाकी 10,000 रुपए का दहेज के रूप में सामान दिया गया। दान दहेज का भी योगी सरकार ने ख्याल रखा। खान पान के साथ एक बक्सा, रजाई, गद्दा आदि देकर बेटियों को विदा किया गया। साथ ही एक मोबाइल भी दिया गया। वह राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इस योजना को चालू किया गया है, जो योगी की सोच का नतीजा है कि बेटियां आगे बढ़े, क्योंकि बेटियों के आगे बढ़ाने से पढ़ाने से केवल एक परिवार नहीं दो परिवार आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मौजूद अतिथियों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट। मऊ जिले में डॉक्टर हाशमी द्वारा फैंटासिया वाटर पार्क बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री अनिल राजभर ने किया। मऊ जिले के रतनपुरा इलाके में डॉक्टर हाशमी द्वारा फैंटासिया वाटर पार्क बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री अनिल राजभर द्वारा किया गया है। इस दौरान सांसद हरिनारायण राजभर व चेयरमैन तैयब पालकी भी मौजूद रहे। वह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारे किसान या हम लोग हमेशा टीवी में वाटर पार्क को देखते थे, लेकिन अब यहाँ बनने से काफी अच्छा होगा और किसान सहित बाकी लोग भी इसका आनंद उठाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जीएसटी लागू किया और जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है, क्योंकि जो भी छोटा व्यापारी है उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे और उसकी मांग जायज है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुरहानपुर में जिला पंचायत सीईओ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरबैया 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बिरोदा का वर्तमान सरपंच रेखाबाई उमाकांत चौधरी और सचिव ओमकाम वर्मा को हटाने के लिए पूर्व सरपंच धर्मराज महाजन से रिश्वत ली है। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। 30 जनवरी को पूर्व सरपंच धर्मराज देवन महाजन ने उनकी सेटिंग की शिकायत लोकायुक्त इंदौर को की थी। इसके बाद एक जाल बिछाया गया। सीईओ सिरबैया ने 1,00,000 रुपए सरपंच सचिव को हटाने के लिए मांगे थे
और वही बिरोधा सरपंच पर विरुद्ध मृत व्यक्तियों के नाम पर राशि निकालने का आरोप लगाया है। इसी मामले में जिला पंचायत की ओर से धारा 40 का नोटिस दिया गया था, जबकि पूर्व सरपंच धर्मराज महाजन ने 1,80,000 रुपए का बिल भी बकाया है। सीईओ ने ये राशि भी निकलवा कर देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। आशा के दीप जलाती वो, आशा ही कहलाती वो। नारी है नारी को समझे, मातृत्व की बात बताती वो। कभी राह चलते चलते, कभी खुल के बातें करती वो। स्वस्थ बच्चे हों हर आंगन, आशा ये ले आती वो। जननी सुरक्षा की बातें जन जन को समझाती वो। सही समय पर सही सलाह और उपचार दिलवाती वो। स्नेह सभी का पाती वो, राह उचित दिखलाती वो। आशा है नव भारत की, आशा ही कहलाती वो। स्वस्थ भारत के निर्माण में ये है इनका योगदान। और आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ विकास खंड से बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। सारंगढ़ विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुवाताल में कई वर्षों से बिजली का तार जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर झूलता नजर आ रहा है, परंतु आज तक बिजली विभाग द्वारा इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वही ग्रामीणों ने बताया कि गाय भैंस बैलगाड़ी ट्रैक्टर परिवहन आवागमन का रास्ता होने के बावजूद बिजली विभाग चुप्पी साधे हुए है, तथा इस विषय को लेकर कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना को गंभीरता से लेते हुए नजदीकी बिजली विभाग गुड़ेली में सूचना दी जा चुकी है। यहाँ बिजली का तार एकदम मतलब 3 फीट के नीचे पहुंच गया है, समझिए वायर मतलब जमीन से तीन फीट ऊपर है अभी, और इससे गाय बैल भैंस भैंसा सबको परेशानी होता है आने जाने में। यहाँ तक मनुष्य को भी यहाँ चलने फिरने में परेशानी होता है। कई बार तार भी टूट चुका है। इसको बिजली विभाग में सूचना देने में पर वहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, तो यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारी भी इस चीज़ को आकर के नहीं देखते हैं कि तार की ऊंचाई कितनी है जमीन से, ऐसे करके। इसका लिखित शिकायत कहाँ की थी? यहाँ इसका लिखित शिकायत गुड़ेली में 2-3 बार हो चुका है सर। तो एकाध बार आए थे कर्मचारी? कोई नहीं आए हैं अभी तक, कोई नहीं पहुँचे हैं यहाँ तक। घोर लापरवाही है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से चंद्रिका भास्कर की रिपोर्ट। बिलासपुर में टैक्सी चालकों और पार्किंग वसूली ठेकेदारों के बीच चल रहे विवाद का आरपीएफ पुलिस ने निवारण किया। बिलासपुर की गोरेला के रेलवे स्टेशन पैंडा रोड पर टैक्सी चालकों और पार्किंग वसूली ठेकेदार के बीच पिछले कई दिनों से वसूली को लेकर विवाद चल रहा था। पैंडरा रोड रेलवे स्टेशन के बारे में हम आपको बता दें कि अमरकंटक, जो कि दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है, और अमरकंटक जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पैंडरा रोड है। यहां देश विदेश से पर्यटक एवं श्रद्धालु अमरकंटक मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल दर्शन के लिए आते हैं। यहां पर यात्री को टैक्सी से जाना पड़ता है। वही टैक्सी ड्राइवर और रेलवे ठेकेदार वसूली को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। रेलवे पार्किंग के ठेकेदार हैं, अभी आप लोगों के बीच और ड्राइवर संघ के बीच कुछ समझौता हुआ है, क्या हुआ है समझौता, इस पे कुछ नज़र डालेंगे आप? समझौता यही हुआ है कि जो इनके अध्यक्ष हैं वो बोले कि हम मतलब 350 रुपये पर मंथ देंगे, एक हफ्ते के अंदर पैसा दे देंगे, जिसमें मैं एग्री हूँ। और आप 350 रुपये में एग्री हो गए हैं, और ये आप इनका पूरा सहयोग करेंगे? आइंदा कोई ऐसी कंप्लेंट तो नहीं आएगी कि मतलब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए? कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, पैसा मेरे को यदि हर मंथ देते रहेंगे हर कोई तो। मामला आरपीएफ पुलिस थाना पैंडा रोड पहुंचा। आरपीएफ पुलिस थाने के इंचार्ज हिसामुद्दीन ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह कराई और मामले का निवारण किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तनवीर आलम की रिपोर्ट। कोरिया जिले के चिरिमिरी क्षेत्र में जिला स्तरीय डांस प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरिया जिले के चिरिमिरी थाना क्षेत्र में जिला स्तरीय डांस प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जन सैलाब काफी भीड़ में उपस्थित रहा, और ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसलिए चिरिमिरी पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा में विशेष ध्यान दिया गया।
डांस का रंगारंग कार्यक्रम में चिरीमिरी की आम जनता ने डांस प्रतियोगिता का भरपूर मनोरंजन व आनंद उठाया। वही पूर्व विधायक दीपक पटेल, भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह तथा चिरीमिरी की थाना से विनीत दुबे, कोरिया चौकी प्रभारी अमर जायसवाल की उपस्थिति में शांतिपूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं फिरोजपुर के एक गांव में लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को प्रत्येक गांव को स्वच्छता की श्रेणी में लाने के लिए हुक्म जारी किए थे, ताकि शहरों की तरह गांवों को भी स्वच्छ बनाया जा सके। लेकिन सरकार द्वारा जारी हुक्मों का असर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जिला फिरोजपुर के गांव कलचिया जदिद में गंदे पानी की पूर्ण तौर से निकासी न होने के चलते लोगों को रोजाना किसी न किसी तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। और तो और उनके घर से निकलने वाले पानी निकासी न होने की वजह से घरों के बाहर बनी कच्ची नालियों में पानी जमा होकर नालियों से निकलकर गलियों में भर रहा है और गंदे पानी की वजह से लोगों को कई घातक बीमारियों का डर भी सता रहा है। वही गांव वासियों ने मीडिया के माध्यम से अपना दुखड़ा रोते हुए पहले तो मोदी सरकार और उनके नेताओं व अधिकारियों को जमकर कोसा और बताया कि उन्होंने कई दफा अपनी मुश्किलों के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उनकी मुश्किलें देखने और सुनने तक नहीं आया। बहरहाल गांव वासियों की मांग है कि उनके इस मसले का जल्द से जल्द हल करके उन्हें इस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकाला जाए। जब इस संबंध में मीडिया ने बीडीओ फिरोजपुर से बात करनी चाहिए तो वो मीडिया से बचते नजर आए। इसके पश्चात जब इस संबंधित एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार को गांव वासियों की मुश्किलों के बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया है, जो उस गांव में जाकर मौके का मुआयना करके इस मसले को जल्द से हल करवा देंगे। पंजाब के फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अकोला जिले के अकोट में बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं बच्चों को बुक पेन जैसे स्कूल के जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। अकोला जिले के अकोट नगर परिषद शाहीन उर्दू स्कूल में हाल ही में बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे तरीके से देशभक्ति गीत और नाटक प्रस्तुत किए, जिसकी कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों ने जमकर तारीफ की। इस उपलक्ष्य पर स्कूल में बख्शीश वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस बख्शीश वितरण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षण सभापति नगमा अंजुम अजहर शेख, पुलिस उपनिरीक्षक गवई, स्कूल समिति के अध्यक्ष इनके हाथों बुक पेन जैसे स्कूल के जरूरी वस्तु का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों का स्वागत स्कूल के मुख्य अध्यापक और शिक्षकों के हाथों किया गया। नगमा अंजुम अजहर शेख, शिक्षण सभापति नगर पालिका अकोट। आज शाहीन उर्दू स्कूल अकोट में बच्चों का बाल महोत्सव में अच्छे ड्रामे, देशभक्ति गीत पेश करने पर इनाम दिए गए, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। इस स्कूल में टीचरों ने बहुत मेहनत की ताकि प्रोग्राम कामयाब हो सके और बच्चों का बखूबी अंजाम दिया। और वही इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों को स्कूल के डिजिटल क्लासरूम भी दिखाए गए। महाराष्ट्र के अकोला से जावेद शाह की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।